गाइस सब्सक्राइब कीजिए फिटनेस वर्कर्स चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक करें लेटेस्ट वीडियोस अपडेट की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए। हे गाइस गुड इवनिंग, दिस साइड इज अभी एंड अगेन आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वी शेप बैक कैसे बनाएं, बैक को चौड़ा कैसे करें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बैक की मसल्स एनाटॉमी के बारे में, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा उन बैक की एक्सरसाइजेस के बारे में जो कि आपकी बैक को वी शेप देने में हेल्प करेगी। साथ ही हर एक्सरसाइज में कितने सेट्स होंगे, कितनी रैप रेंज होगी, हर सेट के बाद कितना रेस्ट टाइम होगा, ये सभी बातें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। बैक एनाटॉमी में कई सेवरल इंडिविजुअल मसल्स हैं। उन सभी मसल्स को आप टारगेट करके आप लोग बैक इफेक्टिवली डेवलप कर सकते हो। बैक मसल्स की हेल्प से हम सीधे खड़े हो सकते हैं, स्पाइन को सपोर्ट मिलता है एंड प्रोटेक्ट रहती है। हमारे आर्म्स एंड टोर्सो पुल एंड एक्सटेंड हो सकते हैं। बैक मसल एनाटॉमी में फॉलोइंग मसल्स इंक्लूड है: ट्रेपीजियस, लैटिसमस डॉर्सी, इरेक्टर स्पिने, रोम्बॉइड एंड टेरिस मेजर। हमारी अपर बैक बनी है लास्ट ट्रायंगुलर शेप मसल से, जिसे ट्रेपीजियस कहते हैं। ट्रेपीजियस मसल्स शोल्डर एंड नेक के बीच में लोकेटेड है एंड ये कॉलर बोन हाइट से ऊपर की तरफ होती है। ट्रेपीजियस मसल्स काफी नोटिसेबल होती है फ्रंट व्यू से एंड ट्रेपीजियस मसल्स लोअर बैक रीजन तक जुड़ी होती है। इसे शॉर्ट में ट्रैप्स भी कहते हैं। ट्रैप्स में 3 सेक्शन होते हैं मसल फाइबर्स के: लोअर ट्रेपीजियस, मिडिल ट्रेपीजियस एंड अपर ट्रेपीजियस फाइबर्स। ट्रैप्स कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ मसल्स है जो कंट्रोल करती है स्कैपुला यानी शोल्डर बोन को, जो कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है श्रगिंग, नेक मूवमेंट, हेड सपोर्ट एंड और भी चीजों के लिए। जिम में अक्सर देखा गया है कि लोग अपर ट्रैप्स पे ज्यादा फोकस करते हैं एंड मिडिल एंड लोअर ट्रैप्स पे उतना फोकस नहीं करते। यदि ट्रेपीजियस मसल्स को अच्छे से डेवलप किया जाए तो शोल्डर एंड नेक प्रॉब्लम भी दूर हो जाती है। श्रग्स, डेडलिफ्ट्स एंड पावर क्लीन्स एक्सरसाइजेस अपर ट्रैप को हिट करती है एंड स्ट्रॉन्ग बनाती है। डंबल रेयर डेल्टॉइड रेजेस, केबल फेस पुल्स, बाबल रोज एंड सेटेड रोज एक्सरसाइजेस मिडिल एंड लोअर ट्रेपीजियस फाइबर्स को टारगेट करती है। रोम्बॉइड मसल लोकेटेड है बैक एनाटॉमी के अपर पोर्शन में ट्रेपीजियस के नीचे, जो कि वर्टिब्रे से लेके स्कैपुला में इंसर्ट हुई है। रोम्बॉइड मसल जब एक्टिवेट होती है जब हम स्क्वीज करते हैं शोल्डर ब्लेड टुगेदर। रोम्बॉइड मसल भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है: रोम्बॉइडियस मेजर एंड रोम्बॉइडियस माइनर। बेस्ट बैक एक्सरसाइजेस जो टारगेट करती है रोम्बॉइड्स ग्रुप को वो है बाबल रो, सिटेड रो, टी बार रो, वन आर्म रो एंड पुलअप्स। मिडल बैक या फिर लैटिसमस डॉर्सी, जिसे लैट्स या विंग्स भी कहते हैं, जो कि वेल नोन लार्जेस्ट बैक मसल है। लैट्स की वजह से ही बॉडी वी टेपर दिखती है। लैट्स हेल्प करते हैं आर्म से पुल करवाने में कोई भी चीज एंड साथ ही बॉडी को सपोर्ट करते हैं वेरियस मूवमेंट्स एंड सिचुएशंस में। लैट्स को टारगेट करने के लिए आप पॉपुलर एक्सरसाइजेस जैसे कि लैट पुल डाउन, पुलअप्स, बाबल बेंट ओवर रो, डंबल वन आर्म रो एंड डेडलिफ्ट कर सकते हैं। टेरिस मेजर एक स्मॉल मसल है बट काफी इम्पोर्टेंट मसल है, जो कि लोकेटेड है लैट्स के नीचे। इसको लिटिल लैट भी बोलते हैं। टेरिस मेजर लैट्स के साथ मिलकर काम करता है पर ये रोटेटर कफ मसल्स के साथ भी काम करता है। इसका फंक्शन है आर्म्स को डाउनवर्ड्स पुल करना एंड इनवर्ड रोटेट करना। बेस्ट एक्सरसाइज जो टारगेट करती है टेरिस मेजर को वो है लैट पुल डाउन एंड डंबल लोअर्स। ये दोनों ही एक्सरसाइज डायरेक्टली टारगेट करती है टेरिस मेजर को। लोअर बैक बनी है इरेक्टर स्पाइनस से, जिसे स्पाइनल इरेक्टर्स भी कहते हैं। स्पाइनल इरेक्टर्स जो स्पाइनल कॉलम की पूरी लेंथ के साथ चलती है यानी लोअर से अपर बैक की तरफ। स्पाइनल इरेक्टर्स की वजह से ही हम अपनी बैक को फ्लेक्स एंड एक्सटेंड कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में। साथ ही ये सपोर्ट करते हैं वर्टिब्रे। गुड बैक ट्रेनिंग से टोटल बॉडी स्ट्रेंथ बूस्ट होती है एंड बैक थिकनेस एंड डेंसिटी भी इम्प्रूव होती है। इरेक्टर स्पाइने को डेवलप करने के लिए डेडलिफ्ट बेस्ट एक्सरसाइज है। साथ ही आप कर सकते हैं हाइपर एक्सटेंशन, दी बाबल गुड मॉर्निंग एंड दी बाबल स्क्वाट। अब हम बात करते हैं उन एक्सरसाइजेस की जो कि आपको वी शेप बैक देने में हेल्प करेगी। लेकिन एक्सरसाइजेस शुरू करने से पहले सबसे पहले आप अपनी बैक को अच्छे से वार्म अप करोगे। वार्म अप के लिए आप सबसे पहले करोगे पुलअप्स। पुलअप्स के आप 4 सेट्स करोगे एंड हर सेट में रैप रेंज होगी फेलियर तक, यानी कि जब तक कि आप थक नहीं जाते एंड हर सेट के बाद रेस्ट टाइम होगा 45 सेकंड्स का। पुलअप्स आपकी ओवरऑल बैक डेवलपमेंट के लिए एक इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। वार्म अप कर लेने के बाद फर्स्ट एक्सरसाइज आप करोगे वाइड ग्रिप लैट पुल डाउन। ये एक्सरसाइज प्राइमरी टारगेट करती है लैटिसमस डॉर्सी को यानी लैट्स को एंड सेकेंडरी ये एक्सरसाइज टारगेट करेगी रियर डेल्टॉइड्स, लोअर ट्रेपीजियस एंड रोम्बॉइड्स को। इस एक्सरसाइज के आप 4 सेट्स करोगे। सेट रेंज होगी 4
फर्स्ट सेट में रैप रेंज होगी 12, सेकंड सेट में रैप रेंज होगी 10, थर्ड सेट में रैप रेंज होगी 8 एंड फोर्थ सेट में रैप रेंज होगी 6। हर सेट कंप्लीट होने के बाद रेस्ट टाइम होगा 45 सेकंड्स का। हर सेट में आपको वेट उतना ही लिफ्ट करना है जिससे आपकी हर सेट के अकॉर्डिंग रैप रेंज कंप्लीट हो जाए। आप उतना ही वेट लिफ्ट करें जिसमें 12, 10, 8 एंड 6 रैप्स आपके इजीली निकल जाए एंड उससे ज्यादा रैप्स ना निकले। इस वर्कआउट में वेट आपको थोड़ा हैवी लिफ्ट करना होगा। हर सेट के बाद वेट बढ़ता जाएगा एंड रैप्स घटते जाएंगे। यही सेट एंड रैप रेंज हर एक्सरसाइज में आपकी सेम होगी। सेकेंड एक्सरसाइज है क्लोज ग्रिप पुल डाउन। ये एक्सरसाइज प्राइमरी टारगेट करेगी लैटिसमस डॉर्सी को यानी लैट्स को एंड सेकेंडरी ये एक्सरसाइज टारगेट करेगी लोअर ट्रेपीजियस, रोम्बॉइड्स, रियर डेल्टॉइड्स एंड बाइसेप्स को। इस एक्सरसाइज में सेट एंड रैप रेंज वही होगी जो कि फर्स्ट एक्सरसाइज में थी। थर्ड एक्सरसाइज है टी बार रो। ये एक्सरसाइज टारगेट करती है लैटिसमस डॉर्सी, टेरिस मेजर, इंफ्रास्पिनेटस, ट्रेपीजियस, रोम्बॉइड्स एंड आर्म फ्लेक्सर्स को। इस एक्सरसाइज में भी सेट एंड रैप रेंज वही होगी जो कि फर्स्ट एक्सरसाइज में थी। फोर्थ एक्सरसाइज है सीटेड केबल रो। ये एक्सरसाइज प्राइमरी टारगेट करती है लैटिसमस डॉर्सी एंड ट्रेपीजियस को एंड सेकेंडरी ये एक्सरसाइज टारगेट करती है रोम्बॉइड्स एंड रियर डेल्टॉइड को। इस एक्सरसाइज में सेट एंड रैप रेंज वही होगी जो कि फर्स्ट एक्सरसाइज में थी। फिफ्थ एक्सरसाइज है डंबल इंक्लाइन रो। ये एक्सरसाइज टारगेट करती है लैटिसमस डॉर्सी, टेरिस मेजर, इंफ्रास्पिनेटस, ट्रेपीजियस, रोम्बॉइड्स एंड आर्म फ्लेक्सर्स को। इस एक्सरसाइज में सेट एंड रैप रेंज वही होगी जो कि फर्स्ट एक्सरसाइज में थी। सिक्स्थ एंड लास्ट एक्सरसाइज है हाइपर एक्सटेंशन। ये एक्सरसाइज प्राइमरी टारगेट करेगी इरेक्टर स्पाइनल कॉर्ड यानी लोअर बैक रीजन को एंड सेकेंडरी ये एक्सरसाइज टारगेट करेगी लैटिसमस डॉर्सी, ग्लूटियल्स एंड हैमस्ट्रिंग्स को। इस एक्सरसाइज के आप दो सेट करोगे एंड हर सेट में रैप रेंज होगी फेलियर तक यानी कि जब तक कि आप थक नहीं जाते एंड हर सेट कंप्लीट होने के बाद रेस्ट टाइम होगा 45 सेकंड्स का। सो गाइस, ये था मेरा वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया उन एक्सरसाइजेस के बारे में जो कि आपको वी शेप बैक देने में हेल्प करेगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई एंड इस वीडियो पे मुझे 1000 लाइक्स मिलते हैं तो आने वाली वीडियोस में मैं आपको कुछ ऐसा ही कंटेंट और भी दूंगा। सो गाइस, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड यदि आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट्स के जरिए वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।